नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुवरेश शर्मा। खबरों को देखते हैं विस्तार से और रुक करते हैं, खबर है बरेली से। यह भारतीय राष्ट्रवादी दल ने कांस्टेबल लखपत सिंह के खिलाफ एसपी ट्रैफिक को ज्ञापन दिया है। कांस्टेबल लखपत सिंह और अन्य दो पुलिसकर्मी चौकी चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। मोनू राठौर बिना हेलमेट पहने हुए जब चौकी चौराहे से गुजर रहे थे, तब कांस्टेबल लखपत सिंह ने मोनू को रोककर रिश्वत के रूप में 1000 रुपए की मांग की। गाड़ी चालक ने रिश्वत देने से मना कर दिया तो कांस्टेबल लखपत सिंह ने गाड़ी की चाबी और मोबाइल छीनकर गाड़ी चालक के साथ बदतमीजी भी की। बरेली से जावेद सईद खान के साथ सलमान वारसी की रिपोर्ट। कुछ लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है और हमारे एक कांस्टेबल टीपी है लखपत सिंह, ये उन्होंने कहा है कि कल चेकिंग के दौरान उनके द्वारा जो गतिविधि की गई है, मैं वहाँ पे सीसी कैमरे भी लगाए, मैं इसको सी ट्रैफिक को जांच दे रहा हूँ, जहाँ की जो चीज़ निकल के आएगी उस हिसाब से कार्रवाई गलत है। चेकिंग बहुत शालीनता से यहाँ की जा रही है, ना ही हमने बहुत अधिक प्रेशर बना रखा है। चेकिंग होती है, चेकिंग के दौरान जो हमारे डीजी साहब के निर्देश हैं उसके अंतर्गत हम लोग चेकिंग कर रहे हैं और ना ही इसमें कहीं कोई जाति हो रही है। अगर कहीं कोई लाता है कि जाति मरी तो उसकी हम जांच करा लेंगे। हमारे पिछले महीने इसलिए अगस्त के महीने में हमारे बहुत अधिक चालान थे जो लगभग 25,000 के लगभग थे, और जबकि सितंबर में हमारे 6,000 चालान हुए। लोगों ने नियम कानून का पालन करना भी शुरू किया है, यही वजह है कि कम चालान भी हुआ।